नमस्कार, स्वागत है आपका एबी न्यूज में। मैं हूं तनुप्रिया और तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। हिंदुस्तान अखबार की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालें तो सबसे बड़ी खबर, कल नीतीश कुमार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक की गई थी और जिसमें निर्णय लिया गया कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र 6 दिनों में ही मिलेंगे। वहीं कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं कि मुख्य न्यायाधीश दफ्तर RTI दायरे में आएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देश को मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर सार्वजनिक प्राधिकार है और यह सूचना के अधिकार कानून यानी कि RTI 2005 के दायरे में अब आएगा। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो आज महत्वपूर्ण फैसला भी आने वाला है। बालिका गृहकांड में आज फैसला आने वाला है। आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड का मामला है और CBI ने 21 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। साथ ही आरोपी साबित होने पर अधिकतम उम्र कैद की सजा आज हो सकती है, तो आज बड़ा फैसला आने वाला है। वहीं एक खबर और पटना की आपको बता दूं, जहां जकरपुर में बच्चे की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पूरा मामला है क्या वो भी आपको बता दूं कि जागरण में कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसमें पिटाई शुरू होने लगी और घायल बच्चे को PMCH में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं बीटा से भी महत्वपूर्ण खबर है, जहां पर पूर्व मुखिया के पति की हत्या की गई है, उसके बाद आक्रोशित लोगों ने बवाल किया है। कल की यह खबर है, नौबतपुर की तिस्खोरा निवासी संजय बीटा में परिवार के साथ रहते थे और घटनास्थल से देसी पिस्तौल और 2 खोखा भी पुलिस ने बरामद किया है, तो बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। और हिंदुस्तान अखबार की बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। साथ ही ये भी बता दूं कि वाहनों का जो प्रवेश है, बढ़ते ही गांधी सेतु पर लंबा जाम लग गया है। पीपा पुल चालू नहीं होने से सभी जो गाड़ियां हैं गांधी सेतु से ही जा रही हैं और इस चालक भारी जाम में कई गाड़ी फंसे हुए हैं। चालकों द्वारा ओवरटेक करने से जाम की जो स्थिति है और भी गंभीर बन गई है। तस्वीरें आप भी देख सकते हैं, गांधी सेतु की तस्वीर है, बुधवार की तस्वीर है, जहां जाम की वजह से दिन भर गाड़ियां सरकती रही हैं। वहीं जल जमाव से पटना में खराब हो गई है 2500 कारें, जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी पटना में, उस जल जमाव के कारण कई गाड़ियां खराब हो गई हैं, यानी कि 2500 कारें खराब हो गई हैं। और SK पुरी में कैंप आज किया जाएगा। आपको बता दें कि अधिकारियों ने कहा है कि 13 से 16 नवंबर तक नगर निगम क्षेत्र में कैंप चलेगा, 18 नवंबर को दानापुर अनुमंडल कार्यालय में कैंप लगेगा और गुरुवार को SK पुरी पार्क के पास निगम कार्यालय में, वहीं शुक्रवार यानी कि 15 नवंबर को प्रेमचंद्र रंगशाला में, शनिवार को कंकड़बाग अंचल कार्यालय में कैंप लगेगा। वहीं शहर के कहीं के भी रहने वाले लोग वाहन के बीमा का क्लेम भी कर सकते हैं यहां पर पहुंचकर शिविर में। वह पटेल नगर की खबर है, जहां पर 2 बूटे भीड़ गए हैं और बाइक को फूंक दिया गया, तो बड़ी खबर पटेल नगर से भी हिंदुस्तान अखबार ने प्रकाशित किया है। पटेल नगर के बाबा चौक के पास ये घटना हुई है, जहां दबंगों ने महिला को दौरा दौरा कर पीटा और उसके बाद घटना के बाद लोग विस्तृत हैं। साथ ही MP MLA कोर्ट में अनंत सिंह की आज पेशी होने वाली है। पटना यूनिवर्सिटी से भी खबर आपको बता दूं, हिंदुस्तान अखबार ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान अखबार ने कहा है कि पटना यूनिवर्सिटी में आज घोषणा होगी कि सीनेट की बैठक में कुलपति करेंगे घोषणा और सेंट्रल पैनल के छात्र इस बैठक में शामिल होंगे, यानी कि छात्र संघ चुनाव दिसंबर के पहले। अजय भारत परिवार की तरफ से आप सभी सम्मानित दर्शकों का आभार। आपके प्यार ने हमें बनाया लोकप्रिय न्यूज चैनल और लोकप्रिय डिजिटल न्यूज नेटवर्क। टीवी के माध्यम से लगभग 1 करोड़ घरों तक पहुंचा अजय भारत। सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर मिला 10 करोड़ लोगों का प्यार। अब नए तेवर और नए कलेवर के साथ आ रहा है अजय भारत। तो फिर देर किस बात की, तो कॉल या व्हाट्सएप करें हमारे नंबर 7488051092 पर।